तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, एक बार फिर से आपका नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 8:10 और मैं नहा धो के कपड़े वपड़े पहन के रेडी हो चुका हूँ, ब्रेकफास्ट भी हो गया है। अब चलते सीधा मेट्रो लेके ऑफिस। बाकी ऐसा कुछ है, बाहर का वेदर आप चेक कर सकते हैं धूप के साथ। हालांकि ये धूप ज़्यादा गर्म नहीं कर रही है, थोड़े दिनों से दुबई का वेदर थोड़ा ठीक चल रहा है, बट देख सकते हैं धूप काफ़ी तगड़ी है। तो अब चलो चलते हैं यहाँ से, मेट्रो लेके निकलते हैं ऑफिस के लिए और देखते हैं आज का क्या प्लान है, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो आपसे सीधा मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो हे गाइस, गुड इवनिंग, मैं घर पे आ चुका हूँ और अभी टाइम हो रहा है 7:30। बाकी फिलहाल ये थोड़ा सा नाश्ता कर लेता हूँ, एक स्नैक समझ लो, ऑरेंज है और स्प्राउट्स हैं, सो ये खा लेता हूँ फटाफट। और फिर मेरे को दो तीन छोटे मोटे काम निपटाने नीचे, मुझे कुछ प्रिंट आउट्स लेने हैं, स्कैनिंग करनी है डॉक्यूमेंट्स की और बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने हैं। हाँ, आज के खाने के लिए मुझे टमाटर नहीं है, सो जाके नीचे से टमाटर भी लेके आना है। सो ये छोटे मोटे तीन चार काम है वो निपटाता हूँ, फैमिली वगैरह से बात करता हूँ, खाना वाना बना के फिर आप लोग से मिलता हूँ और आराम से बात करता हूँ। सर गाइस, आज के डिनर में सॉसेज बना रहा हूँ, तो यहाँ पे सॉसेज फ्राई करके रख लिया है सब कुछ काट के। अभी यहाँ पे प्याज वगैरह अच्छे से भून रहा हूँ, ये भूनने के बाद अच्छे से टमाटर वगैरह ऐड करके पेस्ट बना के फिर सॉसेज ऐड कर दूंगा। और ये हमारा सॉसेज यहाँ पे फ्राई करके रेडी है। सो गाइस, ये चेक कर सकते हैं, अभी अच्छा सा पेस्ट बन चुका है, गाढ़ा सा। अब इसमें सॉसेज ऐड करता हूँ थोड़ा और ठीक करके और फिर चलते हैं डिनर करते हैं। सर गाइस, ये आ चुका है हमारा डिनर, यहाँ पे है सॉसेज, मस्त थिक सॉसेज एकदम मसाले में लपटा हुआ, और उसके साथ है ये रोटी। सो चलता हूँ फटाफट डिनर करता हूँ और फिर मिलता हूँ आप लोग से थोड़ी देर में। सो हे गाइस, खाना पीना हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 11 o'clock, 11 बज चुके हैं रात के, और अभी जस्ट मुझे टाइम मिला है आप लोग के साथ बात करने का, बिकॉज मुझे छोटे मोटे काम थे वो निपटाने में लेट हो गया। सो घर पे भी बात किया, फिर वहाँ पे थोड़ा और डिले हुआ, उसके बाद आके फिर खाना वाना बनाया, फिर आप लोग खाना वाना खा के फिर अभी आप लोग से मैं बात कर रहा हूँ। बाकी पहले दिन भर की बात कर लेता हूँ, तो आज दिन भर मैं ऑफिस में ही था, बीच में एक मीटिंग इंस्टॉलेशन के लिए हमारा प्लान हुआ था शारजा जाने के लिए, दो इंस्टॉलेशन थे, बट मेरा जो दूसरा कलीग है वो जा रहा था उस शेड मीटिंग के लिए, सो वही इंस्टॉलेशन कर दिया। सो मैं दुबई में ही रुक गया, मैं मतलब ऑफिस में ही रुक गया, कहीं गया नहीं, और शाम तक 6 बजे तक मैं अराउंड ऑफिस में ही था, कहीं कुछ भी बाहर मीटिंग वगैरह नहीं आई ना इंस्टॉलेशन आया। सो आज पूरा दिन ऑफिस में काम किया, फिर अराउंड 6:10 को निकला ऑफिस से, घर पे आया, नीचे गया, जो भी छोटे मोटे काम थे सब खत्म किया, फैमिली से बात किया, खाना बनाया, और अभी चर्च जाके मैं फ्री हूँ, 11 बज रहे हैं। और आज मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूं कि आप लोग के बहुत लोग के कमेंट्स आते हैं कि कैसे पैसे बचाएं, मतलब जो स्टार्टिंग के फेज रहते हैं आपके जब तक आपको जॉब नहीं लगी रहती है, तो कैसे मैनेज करें हर एक चीज़ को, भले वो ट्रैवलिंग हो, रहना हो या खाना हो, कैसे मैनेज करें कि हमारे पैसे कम खर्च हो और अच्छी चीज़ में भी मतलब हम इन्वेस्ट कर सकें, यानी अच्छा खाएं, अच्छी जगह रहें और प्रॉपरली ट्रैवल करें। सो मैं आपको आज वो बताने वाला हूँ कि कैसे प्रॉपरली आप हर एक चीज़ मैनेज कर सकते हैं, रहना, खाना और ट्रैवलिंग। सो आप लोग के पैसे भी बचेंगे और आप लोग अच्छी चीज़ भी खाओगे और अच्छी चीज़ यूज़ करोगे। सो मैं अब सबसे पहले मेन चीज़ की बात कर लेता हूँ, वो है रहना, यानी पेट स्पेस या पार्टीशन जो भी कह लो। सो आप लोग को मैं एक ही एप्लीकेशन बोलूँगा, बेस्ट और जेन्युइन है, डूबीसेल। आप लोग वो डाउनलोड करो, प्ले स्टोर या आई स्टोर जहाँ से भी है डाउनलोड करो और यूज़ करो, भले ही आप दुबई आ चुके हो या इंडिया में हो। सो डूबीसेल एप्लीकेशन यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपको बेड स्पेस काफ़ी मिल जाएंगे, अलग अलग रेंज से, अलग अलग प्राइस रेंज से, स्टार्टिंग के हिसाब से और फैसिलिटी के हिसाब से, आपको कैसी फैसिलिटी कौन से एरिया में मिल रहा है, और अगर बेड स्पेस चाहिए तो वो भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बिकॉज मुझे काफ़ी लोगों ने, मैंने जब पहले वीडियोज में सजेस्ट किया था डूबीसेल, तो मुझे काफ़ी लोग ने मैसेज करके बताया कि उन्होंने बेड स्पेस डूबीसेल से ढूंढा और उनको मिल गया जेन्युइन बेड स्पेस। सो वो जेन्युइन बेड स्पेस मिलता है, आपको प्रोवाइड करते हैं वो लोग, बट लोकेशन पे और बाकी सब पे डिपेंड करता है कि कैसी प्राइस रेंज होगी। सो आप लोग जाओ, आपको जो बेड स्पेस है वो चेकआउट करना है तो डूबीसेल एप्लीकेशन पे सर्च करो, ढूंढो, कोई टेंशन नहीं रहेगा।
और अगर आप लोग के कोई दोस्त भाई बहन है या कोई भी रह रहा है यहाँ पे रिलेटिव्स, तो उनको बोल के रखो कि आपके लिए बेड स्पेस बुक करें, तो आप आके डायरेक्टली यहाँ पे रह सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और बेड स्पेस में एक वन टाइम खर्चा है मंथ का आपका, और वो अप्रोक्सीमेट मैक्स टू मैक्स 600 जाता है, अगर आप पार्टीशन में भी किसी के साथ रह रहे हो या फिर आप खुद अकेले 4-5 लोग के साथ बेड स्पेस में रह रहे हो। मैक्स टू मैक्स आपका बेड स्पेस का जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 600। सो रहने का आपका एक ही कॉस्ट है यहाँ पे 350 से लेके 600 के बीच में, ये वेरी करता है, अब डिपेंड करता है मैंने बोला कि कैसी फैसिलिटी, क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है, तो उसके हिसाब से आपको मिलेगा। तो बट एक बेसिक मिनिमम आप चार्ज लेके चलो तो वो है 600 दिरहम्स, भले ही वो पार्टीशन हो या बेड स्पेस हो। सो ये हो गया आपका रहने का। तो अब जो दूसरा पॉइंट आता है वो है खाना। सो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि कभी भी, भले ही आप रहने में खाना पैसे बचा लो या ट्रैवलिंग में पैसे बचा लो, लेकिन कभी भी खाने में पैसे मत बचाना, बिकॉज आप लोग जॉब सर्च के लिए आ रहे तो यहाँ पे, और आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए ताकि आप के अंदर एनर्जी रहे। आप लोग को बाहर धूप में घूम के जगह जगह पे इंटरव्यूज देना रहता है जॉब के लिए, वैकेंसीज ढूंढनी रहती है, आप कहाँ से कहाँ दौड़ोगे, कहाँ जाओगे, कहाँ ट्रैवल करोगे, कितना चलोगे, आपको पता नहीं रहता है जॉब सर्च के लिए। सो अच्छा खाना, हेल्दी खाना खाना आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोग की एनर्जी और ताकत आप में बनी रहे। सो बीमार ना पड़ो आप यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे जब स्टार्टिंग में आप अपने कंट्री से आओगे तो यहाँ की धूप गर्मी जो क्लाइमेट चेंज होता है उसकी वजह से आप बीमार पड़ सकते हो, सर्दी जुकाम हो सकता है। सो उस वजह से बोलूंगा अच्छा हेल्दी खाना खाओ। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको अगर बाहर खाना खाना है तो बाहर कुछ नॉनसेंस स्नैक्स या कुछ फालतू खाना खाने से अच्छा आप मेस लगवा लो अपना। अब मेस कहाँ लगवाओगे, एक अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढो जहाँ पे वेजिटेरियन खाना मिलता हो, और काफी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे रेस्टोरेंट, जैसे मैंने यहाँ पे मीना बाजार बरदुमई में आपको बताया कि भारत रेस्टोरेंट है, बेस्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट पूरे मीना बाजार बरदुमई में, मेरे को ऐसा लगता है, बिकॉज वहाँ पे साफ सुथरे से खाना भी बनता है और रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा रेट आपको। वहां जाके अपना मेस लगवा सकते हो मंथली वन टाइम 350 अराउंड कुछ खर्चा आएगा आपका खाने में, और खाना की क्वांटिटी भी ज्यादा ही रहती है, सो आप उसको डिवाइड कर सकते हो, अगर 2 टाइम करना है वो एक ही खाने को, या तो फिर 2 टाइम अलग अलग चाहिए तो 2 टाइम के हिसाब से आप 2 टाइम का मेस लगवा सकते हो, डिपेंड करता है आपको आपके प्राइस रेंज के ऊपर। सो आप कहीं भी मेस लगवा लो अच्छा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में तो वो खाना खाओ, या तो मेरे हिसाब से मैं प्रीफर करूंगा और बेस्ट सजेशन दूंगा आप लोगों को कि खुद घर पे बनाओ खाना। वहां पे कैसा रहेगा कि आप खुद से अपने हिसाब से अपने मन के हिसाब से जो भी खाना है आप डेली का ला सकते हो, बना सकते हो अलग अलग मेनू के हिसाब से। अब जैसे मैं करता हूँ, एक दिन काबुली चना, एक दिन लाल चना, एक दिन राजमा, एक दिन दाल चावल, एक दिन चिकन, ऐसे करके आप पूरा 6 दिन 7 दिन अलग अलग चीजें बना सकते हो, खा सकते हो, और इसमें आपको फ्रेश भी मिलेगा और आपके मन पसंद का नमक ज्यादा, तीखा ज्यादा, तीखा कम, सब कुछ आपके हिसाब से रहेगा। और आपको करना भी कुछ नहीं है, बस जाना है, 1 हफ्ते की शॉपिंग करनी है कहीं से भी, और वो 1 हफ्ता पूरा खाना बनाना है खाना है, फिर 1 हफ्ते का शॉपिंग करना है, खाना बनाना है खाना है, ये बेस्ट रहेगा, बिकॉज हाइजीन खाना भी मिलेगा और आपके मनपसंद फेवरेट खाना भी मिलेगा। बाहर जाओगे पैसे भी दोगे और उनके मेनू के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, क्वांटिटी क्या रहेगी, टेस्ट क्या रहेगा, कुछ पता नहीं रहेगा। सो बेस्ट सजेशन यही रहेगा कि आप खुद लाओ राशन ग्रोसरी और खुद अपने हिसाब से, वेजिटेरियन हो तो वेज सब्जियां लेके आओ, नॉन वेज हो तो बीच में शफल करके वेज नॉन वेज, वेज नॉन वेज, पूरा 1 हफ्ता आप खाना बना सकते हो, खा सकते हो। सो ये रहेगा खाने के लिए आपको ऑप्शन मैं दूंगा, बट बार बार यही चीज बोलूंगा कि खाने में कोई भी कटौती मत करना, जितना अच्छे से अच्छा खाना खा सकते हो, फ्रूट्स, जूस, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स वो सब खाओ प्रॉपरली, राइस खाओ, रोटी खाओ, और बाहर का छोटा मोटा चलो कि आज समोसा या चाय खा पी के दिन निकाल लेता हूँ वैसा मत करना प्लीज, बिल्कुल भी वैसा मत करना। बाहर जा रहे हो, निकल रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, तो बाहर से कुछ नेचुरल जूस लेके पी लिया, नारियल पानी पी लिया सुपरमार्केट से, या फ्रूट्स लेके कुछ खा लिया, एप्पल या बनाना वगैरह कुछ, तो वैसा करोगे तो आपकी हेल्थ भी बनी रहेगी और आपको जहाँ पे भी जॉब सर्च के लिए जाओगे आप इंटरव्यू के लिए तो एनर्जी रहेगी, आप कॉन्फिडेंटली और फुल एनर्जाइज्ड वे में इंटरव्यू दे सकते हो। सो ये बेनिफिट रहेगा आपका खाने के लिए, और ऐसा कुछ प्राइस रेंज रहेगा। बाकी जो थर्ड चीज है वो है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग में गलती से भी आप डेली का टॉपअप मत करना, 5 दिरहम 10 दिरहम, 5 दिरहम 10 दिरहम का डेली टॉपअप करोगे आपको काफी ज्यादा पैसे लग जाएंगे, आपके महीने का अराउंड 400-500 दिरहम खाली आपका ट्रैवलिंग में चला जाएगा, बिकॉज आपको पता नहीं है कौन से कोने में इंटरव्यू रहेगा, दुबई में किस कोने इंटरव्यू रहेगा, तो बस से जाना है, मेट्रो से जाना है, या दोनों ट्रैवल करना पड़ेगा, सो उसमें काफी ज्यादा कॉस्टिंग आती है। मिनिमम जो टॉपअप
पर टैप का पैसे हैं वो 3 दिरहम कटते हैं मिनिमम टैप का, सो 3 दिरहम है और मैक्सिमम 7.5 दिरहम है। सो उस वजह से आपका नंबर में आप कितने टैप करोगे, कहाँ कहाँ जाओगे, तो वो पैसे उतने कटेंगे। सो मतलब नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पैसे वेस्ट हो जाएंगे ट्रैवलिंग में। सो मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, सीधा जाने का, आप आए हो दुबई, नेक्स्ट डे जाओ, सीधा नॉल कार्ड लो एक, किसी भी मेट्रो स्टेशन से आपके आसपास नॉल कार्ड ले लो और उसमें 1 महीने का ऑल जोन दुबई पास करवा लो। ऑल जोन पास आपको मंथली मेरे ख्याल से 300 साढ़े 300 दिरहम का मिलेगा 1 महीने का। ऑल जोन नहीं भी करवाना है तो कोई एक स्पेसिफिक रेड जोन का करवा लो, उसका आपको मिनिमम कॉस्ट मंथली अगर ऑल जोन करवाते हो तो 350 रहेगा। उसमें कैसा रहेगा, आप अगर फर्ज करो एक दुबई के एंड से निकल रहे हो मेट्रो से और दूसरे एंड जा रहे हो और दूसरे एंड से वापस कहीं आपको बस से जाना है, तो आपको कोई भी वो 350 का है तो आप अनलिमिटेड टैप कर सकते हो, कहीं भी कितने बार भी ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन वही आप टॉप अप करोगे तो एक एंड से दूसरे एंड का जाने का आपको 7.5 दिरहम कटेगा, फिर वहां से उतर के बस लोगे उसका 3 दिरहम 5 दिरहम कटेगा। तो ऐसे डेली का आपका ज्यादा पैसे जाएंगे। अगर एक दिन का आपका मैं टॉप अप का रिचार्ज भी बताऊं, 15 दिरहम भी अगर आप लगाते हो या 10 दिरहम में, तो महीने का 300 हो रहा है जिसमें आप लिमिटेड जगह पे टैप करोगे। लेकिन वही अगर 350 का रिचार्ज कर लोगे मंथली अनलिमिटेड टैप्स का और ऑल जोन का, तो आप महीने भर में कहीं भी कितने बार भी कभी भी ट्रैवल कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं रहेगा। बस हो, मेट्रो हो, कुछ भी हो, दुबई में ऑल ओवर दुबई आप मेट्रो और बस से घूम सकते हो। वहीं आप पैसे डाल के रोज टॉप अप करोगे, रिचार्ज करोगे, तो लिमिटेड जगह पे जा पाओगे और हरदम टॉप अप करना पड़ेगा, कैश लेके घूमना पड़ेगा। सो बेस्ट वे है ट्रैवल करने का दुबई में, जॉब सर्च हो या घूमने आ रहे हो, जो भी ऑप्शन है, नॉल कार्ड ले लो, उसमें मंथली पास रिचार्ज कर लो ऑल जोन का और आराम से कहीं भी जाना है जाओ, इंटरव्यू दो और बस हो या मेट्रो हो टैप करके घूमते रहो आराम से। तो बस यही है मेरे तरफ से, यही 3 चीजों के लिए मैं सजेशन कर सकता हूँ जहाँ पे आपके पैसे भी कम यूज होंगे और फैसिलिटी सर्विस या क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी। बाकी आपको इससे कोई अच्छा आइडिया है आपके पास तो आप वो यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है। और बस यही सब है आज का दिन भर का अपडेट और आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन। बाकी कल का अपडेट ये है कि मॉर्निंग में हमें जाना है बरदुबई, एक मीटिंग है, वो मीटिंग फिनिश करनी है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, फिर शायद दूसरी में एक मीटिंग हो सकती है अल्हम्ब्रिया में, सो लेट्स सी, वो अभी तक कंफर्म नहीं है, बट ये कंफर्म है कि हमें बरदुबई जाना है कल। सो कल आराम से उठेंगे, आराम से जाएंगे बरदुबई, डॉक्यूमेंट वगैरह कलेक्ट करके फिर देखेंगे, कहीं और जाना रहेगा तो जाएंगे, अदरवाइज सीधा निकलेंगे ऑफिस के लिए। और बस यही सब है, अब चलता हूँ, इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। बस आज के व्लॉग में इतना ही, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट।